नेपोटिज्म वॉर ने बॉलीवुड में खींची दीवार, इन सितारों के बीच छिड़े जुबानी जंग। बॉलीवुड में नेपोटिज्म कोई नया मुद्दा नहीं है, पिछले कई सालों से ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तीखी बहस भी देखने को मिल जाती है और कई मौकों पर तो सितारे एक दूसरे पर ही निजी हमले करने लगते हैं। लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ये नेपोटिज्म के मुद्दे ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बार लोगों का गुस्सा भी ज़्यादा है और उस बॉलीवुड तबके का भी जो खुद को इस इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर के रूप में देखता है। नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड के अंदर ही आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। जो सितारे एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं अब एक दूसरे के खिलाफ ही जोरदार तरीके से बोलते दिख रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में जानते हैं जो अब एक दूसरे पर ही भिड़ गए हैं। जब भी नेपोटिज्म की बात आएगी तो कंगना रनौत का नाम सबसे ऊपर आना लाजिम है। कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को लेकर कई बार तीखे हमले किए हैं। उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज लोगों का भी नहीं बख्शा। ऐसे में तापसी पन्नू संग उनकी ये जंग सुर्खियों में बनी हुई है। आर बाल्की वर्सेस मानवी गागरू। हाल ही में फिल्म डायरेक्टर आर बाल्की ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने नेपोटिज्म के सवाल पर यह दावा किया था कि उन्हें रणवीर और आलिया से अच्छे एक्टर को लाकर दिखा दे। अब नेपोटिज्म की डिबेट सिर्फ फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं रह गई है, इस डिबेट में म्यूजिक इंडस्ट्री में भी दस्तक दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोनू निगम और दिव्या खोसला कुमार। सोनू निगम ने भूषण कुमार की टी सीरीज पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में नए लोगों के लिए काम मिलना काफी मुश्किल है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी अपनी फिल्मों और बयानों दोनों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर इस समय उनकी एक्टर रणवीर सॉरी से तीखी बहस चल रही है। अब रणवीर सॉरी तो वो शख्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ये दावा किया था कि उन्हें सरनेम की वजह से काम नहीं मिल पा रहा है। अब सॉरी के इस बयान पर अनुराग कश्यप को खासा बुरा लगा। उन्होंने दावा कर दिया कि सबसे ज़्यादा नए लोगों को काम उन्हीं की वजह से मिला है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो रणवीर सॉरी पर दूसरों को भटकाने का नेगेटिव आरोप लगाया है। रणवीर सॉरी ने इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि वे किसी का नाम लेकर कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं रखते।